चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 5 द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर में हम उन सभी सबस्टांस को कवर कर रहे हैं जो कि लिक्विड होते हैं, मतलब जो लिक्विड सबस्टांस है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी द्रव खाद्य पदार्थ हैं उनको कवर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट फर्स्ट जो था इस चैप्टर का उसमें जल वर्ग और क्षीर वर्ग के बारे में बात करी थी, जो पार्ट सेकेंड था उसमें इक्षु वर्ग, मधु वर्ग और तेल वर्ग के बारे में बात करी थी, और आज की वीडियो में जो पार्ट थर्ड है उसके अंदर मध वर्ग और मूत्र वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि मध वर्ग जो है वो क्या है। तो मध वर्ग के अंदर जो मध है, मतलब जो एल्कोहल है, उस एल्कोहल को रखा गया है। और अगर एल्कोहल की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर युक्तिपूर्वक एल्कोहल का सेवन करता है तो उसकी वजह से उसके शरीर में किस किस प्रकार के गुण या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किस किस प्रकार के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं, उनकी बात करें दोस्तों तो वो है कि दीपन। दीपन का मतलब है जो भी जठराग्नि है, जो भी भोजन का डाइजेशन करने वाली, पाचन करने वाली जो अग्नि है आयुर्वेद के अनुसार, वो तीव्र हो जाती है। मतलब जठराग्नि तीव्र हो जाने की वजह से भोजन का जो पाचन है वो भी क्या होता है, ठीक तरह से होता है। मतलब कि जो युक्तिपूर्वक मध है वो क्या करता है, दीपन का काम करता है। रुचिकारक, रुचिकारक का मतलब भोजन में जो है रुचि उत्पन्न करता है, मतलब व्यक्ति को जो है सुधा की स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति होती है, व्यक्ति को भूख लगना शुरू होती है, व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से जो है भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। उसके अलावा जो मध है वो तीक्ष्ण गुण वाला होता है, उष्ण होता है। उसके अलावा तुष्टि, तुष्टि का मतलब है कि मन को संतुष्ट करने वाला। इसके अलावा दोस्तों पुष्टि, पुष्टि का मतलब शरीर का पोषण करने वाला। स्वादु मतलब कि मधुर रस वाला, तिक्त अम्ल रस युक्त, लघु। और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती हो या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको नींद बहुत अधिक मात्रा में आती हो, उन व्यक्तियों के लिए मध लाभदायक होता है, एल्कोहल जो है लाभदायक होता है, क्योंकि इनसे जो है वो अनिंद्रा और अतिनिंद्रा की जो समस्या है वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दोस्तों मध के जो गुण है उसमें हमने देखा है कि युक्तिपूर्वक सेवन करने पर ही ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे जो गुण हैं वो शरीर में देखने को मिलते हैं। युक्तिपूर्वक का मतलब क्या है, युक्तिपूर्वक का मतलब है दोस्तों कि जो शरीर का बल है, कोई एक व्यक्ति के शरीर का बल जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जो व्यक्ति के शरीर का बल है उसके अलावा व्यक्ति की आयु कितनी है, मतलब कि वो कितने साल का है, उसकी जो है वो एज कितनी है, उस एज के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा ऋतु कौन सी चल रही है, सभी बातों को अगर ध्यान में रख करके व्यक्ति मद का या एल्कोहल का सेवन करता है तो उसी को बोलते हैं अपन युक्तिपूर्वक। जब व्यक्ति युक्तिपूर्वक मद का सेवन करेगा तो उसकी वजह से दीपन, रुचिकारक, तीक्ष्ण, पुष्टि है ना, ये सारे लक्षण जो है उसमें देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति युक्तिपूर्वक जो है वो मतलब कि शरीर के बल को, आयु को और ऋतु को ध्यान में नहीं रख करके अगर मद या एल्कोहल का सेवन करता है तो उसकी वजह से जो मद है वो शरीर में जाकर के विष के समान, मतलब कि पॉइजन के समान जो है वो व्यक्ति को मार डालता है, मतलब कि व्यक्ति को जो है वो मार सकता है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं कि नवीन मद के गुण जो है वो क्या है। तो त्रिदोषों को उत्पन्न करने वाला होता है, उसके अलावा गुरु और लघु होता है। लेकिन अगर इसके विपरीत जो पुराना मद होता है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी पुराना एल्कोहल होता है वो लघु होता है, और लघु होने के कारण कहा भी गया है कि जो पुराना मद है उसका आपको सेवन करना चाहिए। मद सेवन के निषेध की बात करते हैं, उष्ण उपचार, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा उष्ण पदार्थों का सेवन किया जा रहा हो उस व्यक्ति के द्वारा भी मद का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मान लो कि कोई भी व्यक्ति जिसने पित्त की संशोधन चिकित्सा कराई हो, पित्त की संशोधन चिकित्सा मतलब जो पित्त है उसके लिए संशोधन चिकित्सा के लिए अपन किसको यूज़ में लेते हैं, विरेचन को। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसे विरेचन करवाया हो शरीर का उसको भी मध का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा तीक्ष्ण मर्दु और ऐसा मध जो कि कलुषित हो गया हो, गंदा हो गया हो, उस मध का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। मध के अगर अपन प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो सुरा सबसे पहले देखते हैं। सुरा, सुरा का मतलब है कि जो सुरा है वो गुल्म, उदर रोग, अर्स, गृहिणी और उसी के साथ साथ वात दोष का जो है क्या करती है, नाश करती है। इसके अलावा सुरा जो है वो गुरु होती है। इसी के साथ जो मेद, रक्त, मूत्र और कफ को बढ़ाने का काम भी सुरा के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों कि वारुणी के गुण। आपने आयुर्वेद में सुना भी होगा कि वारुणी नामक मद का जो है सेवन करना चाहिए। अगर मान लो कि पित्त की चिकित्सा के बात करें तो पित्त की चिकित्सा के लिए अपने को वारुणी मद का सेवन करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। वारुणी नामक मद के गुण की बात करें तो हृदय के लिए लाभदायक है। जो हृदय में स्थित जो पर ओज होता है वही प्रधान है और उसके लिए लाभदायक होती है, जिससे जीवन जो है वो बना रहता है, प्राण जो है वो बने रहते हैं। उसके अलावा वारुणी जो है वो लघु होती है, तीक्ष्ण, वमन और पीनस को नष्ट करने का काम करती है। वारुणी को जो है प्रसन्ना भी कहा जाता है। वारुणी को बनाते कैसे, तो जो पुनर्नवा की मूल होती है उस पुनर्नवा आदि की मूल को साली चावल या फिर जो पिसे हुए साली चावल है उसके साथ में मिला करके या फिर ताड़ के और खजूर के रस के संदान से बनाया जाता है। अब संदान का मतलब क्या है, संदान कुछ भी नहीं, फर्मेंटेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को आयुर्वेद में संदान बोलते हैं। संदान की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो बहुत सारे जो भी द्रव्य किण्वन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए आप ले रहे हो, उन सभी को एक साथ में लेकर के एक
पात्र में आपको रखना है। उस पात्र को बंद करके जो है वो लंबे समय तक किसी एक स्थान पर अगर रख दिया जाता है, लगभग 20 से 25 दिन एक महीने तक रख दिया जाता है, तो उनमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी और एल्कोहल बनेगा। तो यही क्रिया जो है क्या है में, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संधान क्रम या संधान क्रिया के नाम से जानते हैं। तो वारुणी को बनाने के लिए पुनर्वादी मूल, उसके अलावा साली चावल या फिर ताड़ और खजूर के रस का संधान से जो है वारुणी को बनाया जाता है। गुड़ से बना हुआ मध की बात करते हैं तो गुड़ से बना हुआ जो भी मध होता है, एल्कोहल होता है, वो मूत्र मल और वात को पर्वत करने वाला होता है। उसके अलावा तर्पण कारक और जठराग्नि को दीप्त करने वाला होता है। सीधू की बात, मान लो कि आप गन्ने के रस को लेकर के फर्मेंटेशन कराते हो, संधान क्रिया कराते हो और उससे अगर एल्कोहल बनाया जाता है, तो इस प्रकार से गन्ने के रस से बनने वाला जो भी एल्कोहल है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीधू बोलते हैं। जो सीधू है वो वात पित्त वर्धक होता है और उसी के साथ साथ श्लेष्मा मतलब कि कफ से संबंधित जो भी विकार होते हैं उनको नष्ट करने वाला होता है। इसके बारे में दोस्तों देखते हैं कि मध्यासव क्या है। तो मध्यासव का मतलब है कि मध्य प्लस मध्यासव का मतलब है कि मधु प्लस आसव, मतलब जो मधु है उस मधु से बना हुआ जो आसव होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मध्यासव बोलते हैं। अब दोस्तों ये आंसू क्या होता है, अरिष्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप बीएमएस सेकेंड ईयर में जब पढ़ोगे तो उस दौरान आपको रसशास्त्र में सब टॉपिक जो है संधान क्रिया के अंदर ही बताए जाएंगे। तो आपको जस्ट अभी ये ध्यान रखना है कि संधान की जो प्रोसेस होती है, जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस की दो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेज होती है, आंसू और अरिष्ट। बस इतना सा आपको याद रखना, आंसू और अरिष्ट के बारे में डिटेल में आपको दोस्तों जो है सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो इसके मध्यासव के गुण है वो क्या है कि छेदी, छेदी का मतलब जो भी शरीर में जमा हुआ कफ है उसको टुकड़े टुकड़े करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। उसके अलावा मध्यासव जो है तीक्ष्ण होता है, मह मतलब कि जो पोलीयूरिया है, पोलीवीरिया और कास को जो है जीतने वाला होता है। सुक्त के गुण की बात करें तो रक्त पित्त और कफ का उत्क्लेदन करने वाला होता है, वात का अनुलोमन करने का काम करता है, हृदय के लिए हितकारी है, रुचिकारक जठराग्नि को तीव्र करने वाला, उसके अलावा पांडु नेत्रोकृमि रोगों को नष्ट करने का काम सुक्त के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आसुद की बात करें तो आसुद क्या मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आप एल्कोहल जो हो कंद मूल फल इन सभी के फर्मेंटेशन या संधान क्रिया के द्वारा अगर बनाते हो तो इस प्रकार से बनाया हुआ जो सुक्त होता है उस सुक्त को अपन क्या बोलते हैं, आसुद। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि मूत्र वर्ग क्या है। तो मूत्र वर्ग का मतलब है कि जो भी अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है, जो जानवर है, उनका जो मूत्र है उस मूत्र को जिस वर्ग में रखा गया है वही क्या है, मूत्र वर्ग है। जैसे कि अगर अपन बात करें गाय की है ना, अजा मतलब कि बकरी की, अवी मतलब कि भेड़ की, महिषी मतलब कि भैंस की है ना, और गजा गज मतलब कि जो हाथी होता है उस हाथीनी के मूत्र के बारे में बताया, अश्व मतलब कि घोड़ी के मूत्र की, ऊँट और उसके अलावा खर मतलब कि गधे, इन सभी जानवरों का जो मूत्र होता है उसको ही मूत्र वर्ग में रखा गया है। अब दोस्तों इन सभी जानवरों के मूत्र की बात करें तो उनके गुण जो है वो क्या है, तो पित्तवर्धक, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण, कटु, कृमि रोगों, उदर रोगों और कुष्ठ आदि को जीतने वाला होता है। दोस्तों इस मूत्र वर्ग में जो 8 प्रकार के अलग अलग एनिमल्स के जो मूत्र के बारे में बताया गया उनमें सर्वश्रेष्ठ मूत्र या फिर सबसे बेस्ट जो मूत्र है वो किसको बताया, गौमूत्र को बताया, मतलब कि गाय के मूत्र को जो है सर्वश्रेष्ठ या प्रधान मूत्र बताया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और इस तरह से अष्टांग हृदय का जो चैप्टर नंबर 5 है द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो की दोस्तों उसमें हम बात करेंगे अगले चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें देखेंगे कि जो भी अन्य वर्ग होता है, जो भी सॉलिड सब्सटेंस है वो कौन कौन से, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।